यदि श्राद्ध काल में आप गालियां दे के बात करते तो पुरखे आके भी वापस चले जाएंगे। अनिष्ट यानी अनहितकारी, जो अहित करने वाले हैं, तो श्राद्ध के इस समय पर गाली गलौज ना करें बिल्कुल। और जितनी देर तक श्राद्ध चलता है तो मूक रहिए, मौन रहिए। और ऐसा मैं इस नियम का पालन कर रहा हूँ, जितनी देर यहाँ भोजन रहता है, ब्राह्मण भोजन करते हैं, मेहमान होकर के घूमता रहता हूँ, दक्षिणा बांटता रहता हूँ उन्हें, कि उतनी देर तक मुझे बोलना ना पड़े। जितनी देर में श्राद्ध कार्य हो रहा है, ब्राह्मण भोजन कर रहा है, उतनी देर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिए, बोलिए। आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, नहीं तो सच तो यह है, आप हजार कनस्तर घी जला के जितना पुण्य नहीं कमा सकते, जितना के 16 दिन पूर्वजों को श्राद्ध करके जितना पुण्य आप इकट्ठा कर सकते। तालियां को ज्यादा नहीं बजा दी आपने, तो इस श्राद्ध कर्म से वंचित मत रहिए। जो दिन निकल गए, तीन ही तो निकले आज के, अभी भी तो और भी हैं दिन। इन दिनों में अभी मैं दिल्ली में एक दिन के कार्यक्रम में था, वहाँ मैंने निवेदन किया था कि एक दिया रोज, जहाँ पानी आप घर में रखते हैं, पड़ैली पर, रसोई में, कहीं भी एक तिल का दिया जलाई होगा, आनंद हो जाएगा। हो सके सुबह के समय पीपल की जड़ों के नीचे एक दिया तिल के तेल का जलाइए, एक दीपक सुबह और एक दिया शाम को, तुम्हारे घर के सभी अनिष्ट को समाप्त कर देगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा। दिया तुम जलाओगे, तरक्की बच्चों की होगी, और नित्य पुरखे करेंगे ऊपर के लोगों। इसमें मेरा स्वार्थ क्या है? हाँ, इतना सा स्वार्थ समझ लीजिए, आप खुश रहेंगे तो यात्रा करने में भी आनंद आवेगा, आप प्रसन्न रहेंगे तो भजन करने में भी आनंद आवेगा, और आप प्रसन्न रहेंगे तो गौ सेवा करने में भी आनंद उमड़ेगा, वो आपकी प्रसन्नता ही तो चाहिए। तो ये श्राद्ध कर्म बड़ा अद्भुत है। पूत गंदा तथा भूमि श्राद्ध कर्मणि वर्जयेत। जो स्थान पवित्र नहीं है, ऐसे स्थान पर श्राद्ध कर्म मत कीजिए। पवित्र जगह कौन सी नहीं है सुन लीजिएगा, मैं आपको निवेदन कर दूं, जहाँ जो जमीन जिसमें नमकीन टाइप का लग जाता है, इसको ब्रह्म हत्या का रूप माना गया है, जहाँ पर फसल उगती नहीं है तो वह है बढ़िया नहीं है। जहाँ गांजा उगाया गया है, जिस जगह पर भांग धतूरे उगाए गए हैं, भांग धतूरा तो नहीं है लेकिन भांग का नाम है, आप कहोगे कि भांग तो महादेव को बड़ी प्रिय है, कि महादेव का नाम ले लेकर के इन लोगों को ज़्यादा प्रिय है, शंकर का नाम लेकर के घोंटम घोंटा चलती है इनकी। ऐसी जगह है जहाँ कसाई खाना है, जिस जगह है पर शराब की ठेकेदारी, शराब का विक्रय किया जाता है, और वह घर भी बहुत अपवित्र है, जिस घर में नारी ने अपने गर्भ में संतान को समाप्त कर दिया है, वायु पुराण में ऐसे स्थान को बहुत अपवित्र माना। इसमें तो यह भी वर्णन है कि जिनके घर से लोग भूखे चले जाते हैं, उस स्थान को भी अपवित्र माना गया। आपको बुरा लगेगा, जो स्त्रियाँ बिना नहाए रसोई में पहुँच जाती हैं, उस स्थान को भी अपवित्र माना गया। ऐसे स्थान पर पितर लोग वापस चले जाते, वह भोजन करते नहीं है। इसलिए बड़ी सुंदर शुद्ध बात कही कि पूत गंदा तथा भूमि श्राद्ध कर्मण वर्जये। जो भूमि पवित्र नहीं है, पावन नहीं है, हम होटलों में कथा क्यों नहीं करते? होटलों में शुचिता नहीं है, होटलों में पवित्रता नहीं, नहीं तो बहुत लोग यहाँ होटलों में कथा करते हैं, लेकिन यहाँ तो हर बार कार्यक्रम कालचक्र मैदान की पावन धरती पर, यहाँ दलाई नाम रामा जी का बहुत बड़ा आयोजन, लाखों लोग यहाँ आते।